हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। एक हमारे पास टॉपिक है आज का, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस से एक टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, जहां से आपको बार बार क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरली जो क्वेश्चन होंगे वो जो हमारे पास डीसी थ्योरम से वहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, एसी थ्योरम से क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं। बट एसी थ्योरम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कौन से टॉपिक ज्यादा पॉसिबिलिटी है, दैट इज योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हालांकि इस पूरे सेशन में मैं आपको सारे पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डील करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग एक बार सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रॉपर तरीके से सेशन को देखेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सुपर पोजिशन थ्योरम। आई थिंक सबको पता होगा सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई हमारे पास लोड है, तो लोड पे जो रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा जब सारे सोर्स एक साथ काम कर रहे हैं वो बराबर होगा किसके, जब हमारा एक सोर्स काम कर रहा है बाकी सब बंद है तो क्या रिस्पॉन्स है, प्लस जो दूसरा सोर्स हमारा काम कर रहा है बाकी सोर्सेस बंद है तब क्या रिस्पॉन्स है। मतलब इंडिविजुअली सबको हम कंसिडर करके सभी के रिस्पॉन्स को सम करेंगे तो हमको टोटल रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। ये हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम बोलता है। तो बात ये है कि ये थ्योरम किस सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या बोलोगे, सुपर पोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू द सर्किट्स हैविंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, लीनियर बायलेटरल एलिमेंट्स, रजिस्टिव एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे रजिस्टिव एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात तो, लेकिन यहाँ पे ओनली लिखा है, मतलब ये ओनली रजिस्टेंस के लिए बस नहीं है भाई, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। पैसिव एलिमेंट्स भी नहीं भाई, एक्टिव के लिए भी एप्लीकेबल है, आपके पास वोल्टेज सोर्स वगैरह हो सकते हैं। और ये आपका नॉन लीनियर के लिए तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, सिर्फ लीनियर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा लीनियर बायलेटरल एलिमेंट्स के लिए हमारा ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब आपके पास एक बार आपने कर लिया तो आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल 3 वोल्ट 1 ओम बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लाइक पोलैरिटीज, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज। आपको बोला गया है कि आपके पास कितनी बैटरी है, 2 बैटरी है, और बैटरी का जो आपको वैल्यू दी, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, और उसमें रेजिस्टेंस कितना आपके पास, दैट इज योर 1। ये पहली बैटरी है। एक और बैटरी है आपके पास सिमिलरली सेम जैसी ही, कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कितना आपके पास, दैट इज योर 1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग पहले क्या करोगे, यहां से निकालोगे आरएन की वैल्यू। तो आरएन क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, तो 1 पैरेलल, पेन कहां गई मेरी, 1 पैरेलल 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 पैरेलल 1 इक्वल 0.5। तो देख लो भाई आरएन की वैल्यू 0.5 कहां पे है। तो आपका आंसर बी और सी तो नहीं होगा, ए और डी में से हो सकता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपको निकालना आयन करंट। आयन करंट कैसे निकालोगे, इसको आप शॉर्ट कर दो, है ना, आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है, आपने इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे करंट होगी आपकी आयन। अब आप कैसे निकालोगे करंट को यहाँ पे, बड़ा सिंपल टेक्निक है। क्या करो आप यहाँ पे, इसको आप बना दो क्या करंट सोर्स, तो क्या बन जाएगा, 3 एम्पियर के पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस। इसको ही बना दो 3 एम्पियर और पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट, तो 3 और 3 जो करंट आएगी कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर, वो पूरी करंट कहाँ पे जाएगी, यहाँ, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 6 एम्पियर कॉमा 0.5 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट विल बी डी, 6 एम्पियर कॉमा 0.5 एम्पियर। समझ में आया आपने आई एन कैसे निकाला, अगर डाउट हो तो मैं आपको बता सकता हूँ दोबारा भाई, है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग क्यों कंफ्यूजन में रहो। देखो ये आपके पास 3 वोल्ट था, ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस था,
ना, आप इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, दैट इज योर करंट सोर्स ऑफ 3 एम्पियर और ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस। वैसे सेम चीज एक और यहाँ पे 3 वोल्ट और 1 ओम रेजिस्टेंस, इनको आप पहले में किए थे ना ऐसे, तो ये भी आपका एक यहाँ पे आ जाएगा 3 एम्पियर और 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 एम्पियर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और साथ में आपके पैरेलल में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जहां पे करंट है आपके पास कौन सी IN, जब IN है तो उस शॉर्ट सर्किट ने इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया और इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया, तो हमारी इधर से 3 एम्पियर करंट आई, इधर से 3 एम्पियर आई, इधर कितनी जाएगी 6 एम्पियर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इसको आंसर करेंगे सभी लोग। थेवेनिन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट करंट इन, हम जो थेवेनिन थ्योरम है उससे हमको करंट निकालना है, तो हम करंट निकालने के लिए कौन से मेथड, मतलब कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। पहला है पैसिव एलिमेंट्स ओनली, पैसिव लोड ओनली, लीनियर लीनियर लोड ओनली, बायलेटरल लोड ओनली, एनी लोड, क्या बोलोगे इसका आंसर। क्या आप थेवेनिन थ्योरम से जो करंट निकाल सकते हो, क्या सिर्फ पैसिव लोड में निकाल सकते हो, क्या आप एक्टिव एलिमेंट्स में वहां पे करंट नहीं निकाल सकते, क्या आप नॉन लीनियर लोड में आंसर नहीं निकाल सकते, क्या आप यूनिलैटरल में निकाल सकते और कोई किसी भी लोड में निकाल सकते, निकाल सकते। तो पहली बात अगर मैं बताऊं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है आपने, डायोड सर्किट्स, यस हम आप लोगों ने सभी लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पे टॉपिक डायोड सर्किट्स, राइट। तो अगर आपने डायोड सर्किट्स पढ़ा है तो मैं बता दूं कि वो क्या होता है आपका यूनिलैटरल, दैट इज योर यूनिलैटरल, लेकिन तब भी आप वहां पे थेवेनिन थ्योरम लगा सकते थे, आप वहां पे थेवेनिन थ्योरम लगाते नहीं लगाते थे, लगाते थे, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यूनिलैटरल में भी आपके पास थेवेनिन थ्योरम लग जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ये आपका सिर्फ और सिर्फ करंट निकाल सकता है इन अ लीनियर लोड ओनली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, दिस इज योर आइडियल वोल्टेज सोर्स, एंड आइडियल करंट सोर्स आर इन सीरीज, ये आपका वोल्टेज सोर्स था और ये आपका एक आइडियल करंट सोर्स है, दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिस कॉम्बिनेशन विल हैव, इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बोथ थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन बट नॉट थेवेनिन इक्विवेलेंट, नाइदर थेवेनिन नॉर नॉर्टन इक्विवेलेंट, थेवेनिन बट नॉट नॉर्टन इक्विवेलेंट। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस केस में जो आपके पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों आइडियल है, इस केस में आपका कौन सा कनेक्शन पॉसिबल होगा, थेवेनिन या नॉर्टन। रोशनी बोल रही है सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ करंट आई है, ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वीटीएच कितना होगा, तो वीटीएच क्या होता है, इस लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा आपको, राइट। जब आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे, जब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, केवीएल लगाओगे, तो ये करंट सोर्स है और करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप यहाँ पे थेवेनिन तो नहीं लगा सकते। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम लोग यहाँ पे थेवेनिन नहीं लगा सकते। बात करते हैं नॉर्टन के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स था वी वैल्यू का और यहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स है कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की, और ये मेरे दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब मुझे निकालना है IN करंट, तो आप इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ पे करंट है IN। तो भाई मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे करंट I है, यहाँ कितनी करंट होगी, I होगी, यहाँ कितनी करंट होगी, I होगी, यहाँ कितनी करंट होगी, I होगी, मतलब IN इक्वल्स टू कितना होगा, I होगा। तो भाई हम बोल सकते हैं ना कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं, नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाऊं, तो कितना बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस। हम यहां से क्वेश्चन में क्या जज कर सकते हैं बताइए, इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आया कि हम इस सर्किट का थेवेनिन तो नहीं बना पाए, पर क्या हम इसका नॉर्टन भी नहीं बना पाए। हम तो नॉर्टन बना रहे हैं, देखो नॉर्टन से मैंने इक्विवेलेंट बनाया अभी,
मैंने कितने बार बताया कि अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में है तो करंट सोर्स के सीरीज में कोई भी रहा डीएक्टिवेट कर दो। हाँ या ना? तो आप करंट सोर्स के सीरीज में क्या वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक करंट सोर्स। तो हम लोग बोले हैं कि भाई इस केस में हमारे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट तो एग्जिस्ट करता है बट हमारा थेविनिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, सी इज अ रॉन्ग आंसर, है ना, सी हमारा गलत आंसर है। इसमें हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करेगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट हम लोग बना सकते हैं बट हम लोग अपना थेविनिन इक्विवेलेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया सभी को कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये एक सर्किट है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है आर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर इन द अबव सर्किट इफ इट हैज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। ऐसा बोला जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये सोर्स से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस आर की क्या वैल्यू होगी जिससे सोर्स से मैक्सिमम पावर डिमांड कर सके, मांग सके, है ना, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करे। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आरटीएच के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो अब आप क्या करो, इस सर्किट का आरटीएच निकाल दो, तो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट, यहां पर रेजिस्टेंस है 15 ओम, यहां पर रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपन सर्किट आरटीएच निकालने के लिए। तो आरटीएच कितना हो जाएगा, 15 और 10, 15 और पैरेलल 10, तो कितना हो जाएगा, आरटीएच विल बी इक्वल्स टू 15 पैरेलल 10, 150 बटा 25, 25 छक्का 150। तो अब आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी डी। वेरी गुड, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर नेटवर्क में आजकल थ्योरम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल बनते हैं ना, अभी वो पैटर्न धीरे धीरे जा रहा है जहां पे लोग ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते थे। अभी जो पैटर्न है नेटवर्क में थ्योरम्स को लेके, वो क्या है कि क्वेश्चन दे पूछ वो आप पूछेंगे जनरली फ्रॉम द थ्योरेटिकल वे। ओके, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, लोग यहाँ पे गलती करते हैं इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ऐसा कौन सा थ्योरम है जो ये नहीं देखता कि नेटवर्क लीनियर है कि नॉन लीनियर है, एक्टिव है कि पैसिव है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, सब जगह लग जाएगा, वो है आपका टेलेंजेंस थ्योरम, है ना। वो आपका क्या है, टेलेंजेंस थ्योरम। टेलेंजेंस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एक सर्किट है, कोई भी आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर बात करता हूं मेरे पास क्या होंगे, सोर्स होंगे, कुछ सोर्सेस होंगे और कुछ मेरे पास यहाँ पे लोड होंगे, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे किसी भी सर्किट में अलजेब्रिक समेशन ऑफ वी आई इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कि जितना हमारा सोर्स पावर को डिलीवर करेगा, जितना पावर हमारा सोर्स डिलीवर करेगा उतना ही हमारा पावर लोड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपके लिए लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द गिवन नेटवर्क इज, इस नेटवर्क में जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है इसमें आपको आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन में आरटीएच की वैल्यू बतानी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है ना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स को करोगे शॉर्ट, तो ये शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स होगा ओपन, तो करंट सोर्स को कर दिया आपने यहाँ पे ओपन, ठीक है। यहाँ पे आपका कितने ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का, यहाँ पे कितना आपके पास, ये 2 ओम का, और ये आपके पास ऐसा कुछ, बताइए कितना आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए, आपका आरटीएच कितना होगा यहां से देखोगे तो, सभी लोग बताइए क्या होगा, 2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इस 2 को इलिमिनेट करोगे क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी
एलिमेंट है वो क्या होगा, डीएक्टिवेट। तो ये हो जाएगा आपका डीएक्टिवेट, ये सुनो, ये आपका हो जाएगा डीएक्टिवेट। अगर ये आपका डीएक्टिवेट हो गया है तो हमारी जो करंट होती वो यहां से ऐसे ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगी, मतलब इसमें नहीं जाएगी, तो हमारा आरटीएच कितना हो जाएगा, दैट विल बी ऑनली 2 ओम। कितना होगा 2 ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहां पे बी। कंसीडर द सर्किट शोन बिलो, ये आपके सामने सर्किट दिया है, इसमें आपको दोनों निकालना है, आरटीएच भी निकालना है और साथ में वीटीएच भी निकालना है। पहले क्या निकाले, पहले आरटीएच निकाल लेते, ठीक है ना। तो पहले आरटीएच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, है ना। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा, करंट सोर्स ओपन होगा, तो हो जाएगा 6 पैरेलल 6। 6 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा, 3 ओम। चलो आपका एक काम तो हुआ सॉल्व, आरटीएच की वैल्यू आ गई। वीटीएच निकालते तो प्लस माइनस वीटीएच, जो यहां का पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा, तो आप यहां पे लगा दो क्या नोडल या फिर केसीएल, है ना। आप यहां पे क्या लगा दो, केसीएल। जो आप यहां पे केसीएल लगाओगे तो क्या आंसर होगा बताइए, अगर आप यहां पे केसीएल लगा दोगे तो लगाओ ना केसीएल, VTH-6, VTH-6/6, ये 1 एम्पियर आ रही, तो -1 प्लस VTH/6 = 0। इसको सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 6 LCM आएगा, तो VTH कितना आ जाएगा, VTH-6 + 6 + VTH, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ मैंने यार, यहाँ पे माइनस है ना यार, यहाँ पे माइनस है, प्लस के ऊपर दिया था, = 0, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 VTH = 12, तो VTH = हाउ मच, 6 वोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा आप लोग आंसर कर चुके हो, सी बोल रहे हैं लोग यार, 3 वोल्ट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या कहीं पे, मैंने गड़बड़ किया कि आप लोगों ने गड़बड़ किया, बी तो नहीं। अच्छा आपने क्या बोला है, सी, सी में क्या है, 6 वोल्ट, 3 ओम, सही तो बताया हो आप, सही बताया, कभी कभी ऑप्शन देखने में गड़बड़ हो जाती है ना, 6 वोल्ट, 3 ओम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगेन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर विच मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर टू द सर्किट। आपके पास यहाँ पे आरएल कहाँ पे, ये इसमें आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो इस आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए सभी लोग फटाक से। इस आरएल में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम द सोर्स, तो आपका आरएल की वैल्यू कितना होना चाहिए, इस सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, राइट। तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे देखो, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट, करंट सोर्स हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो देखो यहां पे है कितना, 12 और 6 दोनों पैरेलल में है, 12 × 72/18 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 4, तो यहां पे हो जाएगा 4, फिर ये है आपके पास 3, फिर यहां पे आपके पास है ओपन सर्किट, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां पे आपके पास 2 ओम, तो मतलब तीनों आपस में सीरीज है, इनको ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 2 = 9, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, 9 ओम, वेरी गुड। कितना हो जाएगा पांच आंसर यहाँ पे, 9 ओम। इस क्वेश्चन को आंसर करें अब, इन बैलेंस्ड ब्रिज, आपके पास यहाँ पे बोला है क्वेश्चन पहले ही स्टार्टिंग में बोले कि आपके पास जो ब्रिज है यहाँ पे दैट इज योर बैलेंस्ड ब्रिज, उस ब्रिज में इफ द पोजीशन ऑफ डिटेक्टर एंड सोर्स आर इंटरचेंज्ड द ब्रिज विल स्टिल रिमेन बैलेंस्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम विच थ्योरम। मेरे पास एक बैलेंस्ड ब्रिज है, उसमें एक सोर्स होता है मेरे पास कहीं पे और मेरे पास एक कहीं पे लोड होता है, राइट। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं सोर्स और लोड की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, मतलब जहां पे सोर्स था वहां पे आपका डिटेक्टर लग गया और जहां पे डिटेक्टर था वहां पे मैंने आपका सोर्स लगा दिया, तो ये थ्योरम कौन ऐसा बोलता है,
सोर्स और लोड की पोजीशन को चेंज करने पे भी रिस्पॉन्स चेंज ना हो, ये चीज हमको कौन बोलता है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब रेसिप्रोसिटी हमको यही बोलता है कि अगर आपके सर्किट में एक सोर्स, बस एक कंडीशन यहाँ पे बोलते हैं भाई, एक सोर्स, लेकिन क्वेश्चन में अच्छा बोला कि हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज में तो एक ही सोर्स होगा, है ना। तो अगर हमारे पास एक सोर्स है तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। बोला ही जाता है कि अगर हम अपने एक किसी भी सर्किट में जहां पे एक सोर्स बस है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, उसमें अगर हम सोर्स और लोड की पोजीशन को इंटरचेंज करें तो रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं होता है। ये चीज बोली गई है किसके द्वारा? रेसिप्रोसिटी के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फिर से आपके पास थेवनिन का एक और क्वेश्चन है। डिटरमाइन द थेवनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोर्स। ये जो सर्किट आपको दिया है इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? रेजिस्टेंस की, आरटीएच की। सिंपल क्वेश्चन है यार बड़ा। तो ये तो कितना आ जाएगा? तो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स हो जाएगा ओपन सर्किट। तो कितना हो जाएगा? 50 पैरेलल 200। 50 पैरेलल 200। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 200 और 5 दूनी 10 और 3 बार 0 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन का, तो 250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चक्को 100, 40। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टर्मिनल ऑफ अ नेटवर्क टू विच अ सर्टेन लोड इज कनेक्टेड, ओके, इट वॉज फाउंड दैट RTH equals to 20 ohm, VTH equals to 80 ohm. The maximum possible power supplied to the load is. मतलब आपको बोला है कि आपके पास कोई एक सर्किट है, कोई एक नेटवर्क है, उसके टर्मिनल पे आपके पास जो VTH है दैट इज हाउ मच? 80 वोल्ट। RTH है आपका कितना? 20 ओम। तो आपका पी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला क्या है? VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH, राइट। तो वैल्यू पुट कर दो, VTH कितना आपके पास है? 80 × 80 डिवाइड बाय 4 टाइम्स RTH कितना है? 20। तो 20 चक्को 80, 1 80 से 1 80 डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 80 ओम, मतलब 80 वॉट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टेलेंजेंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग नेटवर्क। हम अपनी टेलेंजेंस थ्योरम को कहां पे लगा सकते हैं? पहला है लीनियर नॉन लीनियर, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्टिव नेटवर्क पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। टाइम इनवेरिएंट पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। टाइम इनवेरिएंट पे तो सारी थ्योरम्स लग रही है, ये भी लग जाएगा। इवन हमारा टेलेंजेंस थ्योरम तो टाइम वेरिएंट पे भी लग जाता है ना, टाइम इनवेरिएंट तो बात ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, है ना। हमारा ये जो थ्योरम है टेलेंस थ्योरम, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट सब मिला जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द थेवेनिन इंपेडेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज। ये टर्मिनल आपका ए है, ये आपका टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। निकाल के बताइए क्या आंसर होगा सभी लोग। आपको यहां पे RTH की वैल्यू निकालनी है। RTH की वैल्यू क्या होगी सभी लोग बताइए। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में RTH की वैल्यू क्या आएगी। मैं प्रॉपरली साइड में हो जाता हूं, है ना। आप लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, राइट। तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट, करंट सोर्स हो गया ओपन, ठीक है। अब क्या होगा? मतलब अगर ये शॉर्ट हो गया तो जो 3 ओम है ये डीएक्टिवेट होगा, यस और नो? बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये डीएक्टिवेट भी हो गया, तो मेरे पास क्या बचा नेटवर्क में? यहां पे बनाते जाओ, बॉटम में था 2 ओम, ठीक है। ये आपका डीएक्टिवेट हो गया है, ये आपका 2 ओम है ना,
ये आपके पास यहाँ पे कितना 2 ओम ऐसा है ना। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये आपका टर्मिनल है ए, ये आपका टर्मिनल बी, तो ये दो दोनों सीरीज में, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, तो 4 पैरेलल 2। 4 पैरेलल 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटा 6, 8/6 मतलब कितना, 4/3, तो आपका आंसर हो जाएगा बी है ना, 4/3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अ नेटवर्क डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द लोड व्हेन लोड इंपीडेंस जेड एल इज। यहां पे किसके बारे में बात करी जा रही है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस के बारे में कि इंपीडेंस के बारे में, इंपीडेंस के बारे में। तो आप यहां से क्या जज करोगे, ये जो क्वेश्चन है वो किस थ्योरम का है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी। तो इस केस में आप क्या बोलोगे इसका आंसर, सभी लोग बताओ मुझे, कि अगर आपको लोड इंपीडेंस में मैक्सिमम पावर की वैल्यू, मैक्सिमम पावर देना है, अगर आपको, सबको ध्यान समझना क्वेश्चन को, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप अपने लोड इंपीडेंस में मैक्सिमम पावर देना चाह रहे हैं तो उस लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोड इंपीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। डीसी में हम लोग क्या पढ़ते थे, आर एल शुड बी इक्वल्स टू आर टी एच, यस और नो। और ये आर टी एच यहां पे क्या था, सोर्स का रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस। बट हम जब बात, ये किसके लिए था, डीसी के लिए। लेकिन जब हम आते हैं एसी थ्योरम्स में, एसी थ्योरम्स में हम एक बार नहीं हजार बार पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो जेडल की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो हमारा जेड टी एच है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। मतलब कि अगर मान लीजिए जेड टी एच की वैल्यू 3+4j, ये किसकी वैल्यू है, जेड टी एच की वैल्यू, तो जेडल की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, जहां पे जे वाला टर्म है उसको माइनस करो, कितना होगा 3-4। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे कि जेडल की वैल्यू शुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इम्पीडेंस जेड एस ऑफ दैट नेटवर्क। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे सी। ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है ना, ठीक है, ये गड़बड़ी आप दोबारा मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को देखिए, इन द सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर विच मैक्सिमाइज द पावर ऑफ द गिवन सर्किट। मतलब इसमें ये आपका रेजिस्टेंस है, इसमें आपको चाहिए मैक्सिमम पावर, क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, इसमें आपको चाहिए मैक्सिमम पावर। तो इसमें मैक्सिमम पावर के लिए आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये नेटवर्क में, नेटवर्क थ्योरम में कौन से टॉपिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, लेकिन एसी वाले के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि इस आरएल की वैल्यू, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर आपको मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए थे ना उसमें, तो अगर वो केसेस को याद होगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ रियल पार्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है ना, वो भी वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इस पूरे सर्किट में, इस सर्किट में इसका जो इम्पीडेंस आएगा उसके मॉड के बराबर होनी चाहिए, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो जेड एस हमारा आएगा, जेड टी एच आएगा, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 10+j ω इंटू वन। ओमे की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 10+j 10, राइट, तो ये आपका जेड टी एच आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड टी एच के बराबर, तो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200। 200 का जो अंडर रूट होगा, 225 में होता है 15, तो होता है आपके पास यहाँ पे आंसर क्या, डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एसी का है, जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, तो मैंने एसी क्वेश्चन भी यहाँ पे इंसर्ट करके रखे हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन आर सेटिस्फाइड फॉर। हमारे पास जो होमोजेनिटी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है,
वो इनमें से किस सिस्टम के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सिग्नल सिस्टम का है, बट नेटवर्क भी आ सकता है क्वेश्चन, सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिकली ये क्वेश्चन है। हम लोग वहां पे एक चैप्टर ही पढ़ते हैं ना सिस्टम्स, तो उसका एक क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपको बताना चाहिए कि होमोजेनिटी और सुपर पोजिशन के लिए हमारी कंडीशन है, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, LTI सिस्टम। कैसा? LTI। LTI मतलब क्या? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ढूंढ लो आप यहाँ पे लीनियर टाइम वेरिएंट, ये नहीं होगा, ये नॉन लीनियर है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, है ना। हम लोग बढ़ते हैं ना कंट्रोल सिस्टम में, LTI सिस्टम, LTI सिस्टम हजार बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू अ लोड द इफिशियंसी ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज डैश डैश परसेंटेज। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में आपको ये पता है कि भाई हमारे पास जो RL की वैल्यू है वो RTH के बराबर है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे मान लो ये एक सिस्टम है जहां पे आपके पास VTH वोल्टेज है, ये आपके पास यहाँ पे RTH है और ये आपके पास यहाँ पे RL, राइट। तो अगर आप यहाँ पे मान लो ये VTH है और ये RL की वैल्यू किसके बराबर है, RTH के। मान लो इस जो VTH है इसका आधा वोल्टेज यहाँ पे आएगा VTH/2, VTH/2 लोड को मिलेगा, आधा लोड आधा जो वोल्टेज कहाँ मिल गया, सोर्स को ही मिल गया। तो हमको जो इफिशियंसी मिलेगी 50% ही मिलेगी ना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये क्वेश्चन तो आप याद ही कर लो, बार बार एग्जाम में आता रहेगा, तो प्रिपेयर रहेंगे आप उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरम दैट इनेबल्स अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इनटू अ सिंगल वोल्टेज और करंट सोर्स इज, ऐसा कौन सा थ्योरम है जो बहुत सारे सोर्सेस को एक सिंपल से सोर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ लोग दिमाग में डाउट आएगा, सर ये काम तो थेवनिन भी करता है, बट थेवनिन क्या करता है कि किसी भी बड़े नेटवर्क को तोड़ के रख देगा एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स में, करंट सोर्स में नहीं। नॉर्टन क्या करता है, कितने भी बड़े नेटवर्क को तोड़ के रख देगा सिंपल सी करंट सोर्स, लेकिन वोल्टेज सोर्स में नहीं। तो आप क्या बोलोगे, ये काम कौन करता है, ये काम करता है मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस में दो प्रकार के थ्योरम होते हैं, एक होता है आपका जनरेटर थ्योरम, एक होता है पैरेलल जनरेटर थ्योरम, है ना। दोनों के थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारे बड़े नेटवर्क को एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स में और सिंपल से करंट सोर्स में आप ब्रेक कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलमेंस थ्योरम, है ना। एक बार मैंने कभी आपको बताया भी था कि आप लोग, है ना, वो मिस्टर बीन वाला जो वीडियो आता है देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, कि क्या होता है, मान लो कोई एक पर्सन है जिसका नाम है थेवनिन, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अब उनकी कोई चीटिंग कर रहा है, मान लो यहाँ पे जिसको बोलते हैं मैं नॉर्टन, उन्होंने क्या किया भाई कि उन्होंने क्या बोला, VTH में चेंज होगा, तो इन्होंने करंट बोल के IN में चेंज होगा, ठीक है, ये नॉर्टन ने कर लिया था। अब इनके पीछे कोई एक और बैठा था बंदा, उन्होंने क्या किया, दोनों को कॉपी कर लिया, इसने इनका भी कॉपी किया और इनका भी कॉपी किया, उन्होंने बोला कि भाई VTH भी बन सकता है और IN भी बन सकता है, एग्जाम में सदा मार्क्स उन्हीं को मिल गए, ठीक है ना। तो उस प्रकार का मैंने कहीं देखा था, तो याद रखिएगा इसको भी, तो ये आंसर हो जाएगा मिलमेंस। बताओ भाई आंसर, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, हैवी तो नहीं सिंपल ही है, तब भी देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। आपको थेवरिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपको RTH की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे आंसर, सभी लोग बताओ। ये वोल्टेज सोर्स से शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो इस 6 ओम को डीएक्टिवेट करके जाएगा, तो आपका सर्किट कैसा बन गया, यहाँ पे था ऊपर 6 ओम, ये है डीएक्टिवेटेड, तो ये है आपका 5 ओम, ये है आपके पास 6 ओम, दैट इज योर 8 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है आपके पास 4 ओम। बताइए कैसे करोगे, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3 3, ये 5 के सीरीज में, 3 5 8,
और आठ, और ये भी आठ पैरेलल में, तो आठ पैरेलल आठ हो जाएगा फोर, और ये वाला फोर, ये वाला फोर और ये वाला टू, तीनों सीरीज में, तो चार चार आठ दो दस, आंसर हो जाएगा आपका 10 ओम। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना जाएगा, 10 ओम। क्लियर है चीज सभी को, कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना। ज्यादातर लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे इस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, उसके बाद वाले स्टेप पे किसको इलिमिनेट करना वो भूल जाते हैं। अगर आप वो चीज मिस कर गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखिएगा, जब कभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, उसके बाद तुरंत हमारा दिमाग बोलना चाहिए किसको किसको इलिमिनेट करना है। जनरली जब क्वेश्चन ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें इलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तो अगर आपने इसको इलिमिनेट नहीं किया तो आप यहाँ पे लग जाओगे ब्रिज को सॉल्व करने में, ये तो फंस जाओगे आप लंबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, मतलब आपको आईएन निकालना है क्वेश्चन में यहाँ पे कितना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी हमारा लोड है उसको आप शॉर्ट कर दो, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे करंट होगी आपकी आईएन। अब निकाल लो आप यहाँ पे, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे कितनी करंट हो जाएगी, 20/10, 2 एम्पियर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ कितनी करंट हो जाएगी, 10/5, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहां से आ रही है, 2 एम्पियर यहां से जाए, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी, दोनों का समेशन 2+2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, आई थिंक आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था नेटवर्क थ्योरम, हमने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, आज का रात का टाइम निकालिए, ठीक है, बुक लेके बैठिए, जैसा भी आपको जो भी करना हो, या फिर आपको नोट्स उठाना तो नोट्स उठा के देख लीजिए, और आज के दिन ही इस थ्योरम्स वाले जो टॉपिक है आपका नेटवर्क थ्योरम, उसको हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए, है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी भी पढ़ाया हुआ है ना, जो हम लोग इसको पढ़ रहे थे, मैंने आज आपके इसको क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वैसे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। आज रात में 1-2 घंटे आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सर पावर सिस्टम की क्लास, मैंने आपको बताया था कि पावर सिस्टम इस वीक जो भी होगा है ना, वो आपका रिकॉर्डिंग बेसिस पे होगा, ठीक है ना। तो आप लोग का पावर सिस्टम का जनरेशन वाला टॉपिक चल रहा है, जहां पे मैंने आपको आपका थर्मल पावर प्लांट और आपका हाइडल पावर प्लांट करा दिया है। प्रोटेक्शन तो उसके बाद करूंगा ना, इस पूरे वीक में आपका मुझे क्या कराना है, पावर प्लांट जनरेशन। आज आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा वीक है ना, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, और साथ में आपको जो जनरेशन हमारा है उसके वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप कम टाइम में उसको पढ़ पाओ। तो ये पूरा वीक आपका जनरेशन के लिए है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लंबा चलता रहेगा, प्रोटेक्शन आपका इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमारा ये पावर प्लांट खत्म हो जाएंगे, मतलब हमारा जनरेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग का फोकस देखो, मैं आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगा बड़े आराम से कराऊंगा, अब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितना मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ वो प्रॉपर आप लोग रिसीव कर पाओ, है ना। वहां पे लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ही मैं आपको दे रहा हूँ चीजें यहाँ पे, उतने उसमें लीकेज नहीं आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर उतना एब्जॉर्व कर लोगे उतना मोर देन इनफ रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।